आमेन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। जितने भी अपने घरों में हैं इस समय लाइव इस मीटिंग को देख रहे हैं, तो मेरा विश्वास है सब खुश हैं। आप सारे यहाँ जो आए हैं खुश हो, बैठ जाओ, कुछ बातें करते हैं इनसे, फिर करेंगे और प्रे, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे जैसे मान लो कल अनाउंस नहीं किया ना कि मैं आऊँगा प्रेयर पिलर में, तो लोगों को पता नहीं है ना। फिर इन्होंने एक पोस्ट डाली कल रात को, तो पता नहीं कितने लोगों ने पोस्ट देखी या नहीं देखी। कितने लोगों को पता है ना आज मैं भी आपके साथ प्रेयर पिलर में रहूँगा। आप पोस्ट देख कर आए हो? हाँ, जो जिन्होंने पोस्ट देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पोस्ट क्या है ना, जैसे मैंने कमेंट पढ़े थे उस पोस्ट की, तो कुछ लोग लिख रहे थे हम रिसीव करते हैं इस वचन को, हम रिसीव करते हैं इस वचन को। मैंने सोचा पोस्ट में कौन सा वचन है जो रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। तो मतलब समझ में आता है कि लोगों लोग कागजी इंसानों की तरह है ना, कागजी मतलब जैसे एक इंसान समझ रखने वाला होता है वैसे जरूरी है। तो लोगों को पता नहीं होगा ये पोस्ट क्या है, किसी ने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, है ना। जैसे कभी कभी हमारी टीम, इन्हें मैं कोई काम देता हूँ तो ये सीधी सीधी बात मेरे पास ले आते हैं, फिर मैं पूछता हूँ, ये पूछा उनसे ये बात की नहीं, ये नहीं की, ये की, ये भी नहीं की। तो क्या होता ना, ऐसे होता है, तो इसीलिए लोगों को ज़्यादा आज पता नहीं है। पर जो भी जुड़े हैं इस समय ऑनलाइन और जितने भी आप आए हैं, तुम सबको बड़ी बरकत मिल चुकी है। एक चीज़ याद रखना, हम जो भी परमेश्वर के साथ करते हैं उसका फल है, अगर हम विश्वास रखें तो। याद रखना, जैसे आप आए हो तो आकर आप घरों से आए एक आशा से कि आज हम प्रेयर में जुड़ेंगे, सीखेंगे, आशीष लेंगे। तो अब ये जो आप आए हो इसमें फल है पक्का, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम जो कुछ भी करते हैं। थोड़ा सा माइक अच्छा करना, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है माइक, या मेरा गला ख़राब है कुछ ऐसे। सुनो तो देखो ध्यान से, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ परमेश्वर के साथ करते हैं परमेश्वर उसका फल हमें देते हैं, क्योंकि हमारी मेहनत को कभी वो व्यर्थ नहीं करते परमेश्वर, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। उन्होंने आसमान बनाया, आसमान तो साइंस से बाहर है, उसके ग्रह ही उसकी समझ से बाहर है साइंस की, जो उसने ग्रह बनाए ना, जैसे पृथ्वी कितनी बड़ी है। साइंस बताती है कि पृथ्वी से भी बड़ा सूरज है, 10 लाख गुना, मतलब 10 लाख गुना बड़ा है सूरज पृथ्वी से, जो हमें इतना सा नज़र आता है। तो जिसने इतने लाखों करोड़ों ग्रह बनाए हैं, उसके लिए हमारे छोटे छोटे काम करना क्या है, बोलो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ शुरू होता है ध्यान, क्या होता है, परमेश्वर बड़ा महान है। तुम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पर शैतान के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। शैतान है, दुष्ट आत्मा है, ये ज्ञान सिर्फ तुम्हें कहाँ मिलेगा, इस ग्रंथ में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में। क्यों परमेश्वर ने हमें शैतान के बारे में और उसकी सेना के बारे में बताया, ताकि हमें समझ आए वो कैसे काम करती है। क्योंकि जैसे जैसे मान लो एक मनुष्य है,
कहेंगे दो। हाँ जैसे मान लो इधर देखो ध्यान दो, जैसे एक माता पिता है ना, तो जो माता पिता होता है वो क्या करता है ना, मेहनत करता है, अपने ऐसे सोचता है ना मेरे बच्चे होंगे, मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा, ना ऐसे सोच रखता है ना माता पिता जब शादी होती है। तो जब वो मेहनत करते हैं ना बड़ी, अपना घर बनाते हैं, किस लिए? इसलिए ना ताकि मेरी फैमिली सब कुछ अच्छे से रहे, इस दिल से, इस मन से रखते हैं ना। अब सोचो जिसने सृष्टि रची उसने क्यों रची, उसने इंसान को क्यों बनाया? कितने लोगों को ये समझ आ रही, उसने ये जो सृष्टि को, कायनात को रचा, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर मनुष्य को बनाया, ये सोचकर मेरी फैमिली, हालेलुया, है ना। परमेश्वर अकेला क्या करेगा इस दुनिया में, तो इसलिए उसने इंसान को बनाया अपनी फैमिली की तरह। अब परमेश्वर का ये बनाना इंसान को अपनी फैमिली को, जैसे दुनिया में ज्ञान है ना, वो ऐसे करता है परमेश्वर मारता है, वो बहुत दंड देता है ना, वो उसने कर्म भी लिखे हैं आपके माड़े, वही मारता, वही चोट लगाता, वही एक्सीडेंट करता है, वही छोटे छोटे बच्चों को उनकी लिख देता है कि 5 साल के मर जाओ, 8 साल के मर जाओ, 10 साल के मर जाओ, है ना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया 10 साल का बच्चे का, तो लोग संसार के कहते हैं इसकी लिखी इतनी थी, किसने? परमात्मा ने। कोई पानी में डूब कर मर गया बच्चा 12 साल का 13 साल का, लोग क्या बोलते हैं? इसकी लिखी इतनी थी, बोलते हैं नहीं, क्योंकि लोगों को उसके बारे में समझ, परमेश्वर के बारे में कोई अच्छा ज्ञान नहीं है उनके पास। जो भी उन्होंने संसार से सुना ज्ञानी लोगों से, वही उनके दिमाग में बैठ गया है। लेकिन ये बात तुम याद रखो, वो ऐसा क्यों करेगा? वो मनुष्य को बनाकर उसको दुख क्यों देगा? वो मनुष्य के साथ बुरा क्यों करेगा? अना मनुष्य को 5 साल से मार दे तो फिर उसको बनाना ही क्यों है, बोलो? कोई कोई बच्चा पैदा होता है 15 दिन 20 दिन जिंदा रहता है फिर मर जाता है, तो लोग कहते हैं इसकी लिखी इतनी, वो क्यों फिर पैदा ही क्यों किया उसने, अगर 15 दिन में ही उसको ख़त्म कर देना था, बोलो, इससे अच्छा पैदा ही ना करो। तो यही ज्ञान दुनिया की समझ से क्या है, आगे भेज दो, आगे भेज दो, आगे। दुनिया की समझ से क्या है ये ज्ञान? बाहर है, और लोगों को ये बात समझ नहीं आती, हालेलुया। तो मैं ये आपको पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को रचा, मैं ना सोच रहा था ये पेट्रोल डीजल के बारे में, इतना ज्यादा यूज होता है रोज, तुम्हारी सोच से भी बाहर है। क्या है तुम्हारी? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? इतना ज्यादा यूज होता है, मतलब तुम्हारी और मेरी सोच से बाहर है, सिर्फ एक स्टेट में, समझ लो पंजाब में। मैं गया था चंडीगढ़ में, और वहां पर एक इमिग्रेशन का ऑफिस था, तो उस इमिग्रेशन के ऑफिस में एक मॉल सा बना था, बड़े बड़े जनरेटर लगे ऊपर, बहुत तगड़े तगड़े, मेरा ख्याल के एक घंटे में पता नहीं 10 लीटर वो सारे खा रहे थे। तो सोचो यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, हमारी सोच से बाहर है ना। तो ये किसने बनाया सारा डीजल? हालेलुया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। उसने क्या कुछ बनाया, है ना, इतना ज्यादा बनाया
तो सोच कर देखो, वो क्यों आपको दुखी रखेगा या परेशान रखेगा। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने ये ज्ञान दिया, वचन दिया, ताकि मनुष्य को समझ आ जाए सच्चाई क्या है। समझ लो ये बाइबल आपके लिए सारे पर्दे जो पड़े हुए उठाने की चीज़ है। हालेलुया। इस संसार में अंधकार के पर्दे सारे उठा देता है। इसीलिए तुम पत्थर को पूजो, किसी देवता को पूजो, किसी बाबे को पूजो, दीवे को पूजो, किसी को भी पूजो, तुम्हारा धर्म क्या है, जिस मर्जी धर्म की पूजा करो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यीशु में आ जाओगे उस दिन पंगा बढ़ जाएगा। अजीब बात है ना ये। हालेलुया। तुम किसी की भी पूजा करते रहो, कुछ भी करते रहो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यीशु मसीह को मानोगे, तुम्हारी रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास के लोग सब बातें करेंगे, ओ तुम किधर चले गए, उल्लू है, तूने धर्म बदल लिया। अरे एक सिख बंदा पीरों की पूजा करता, तब तो उससे कोई कहता नहीं है कि तू मुसलमान बन गया, तू कौन से धर्म में चला गया, है ना, कहता है कोई ऐसे नहीं कहता ना। इसीलिए यहां पर सारे पर्दे उठ जाते हैं। आमीन तो बोल दे ही नहीं आप। इस पर मैंने बड़ा सिखाया आपको, इस पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब विषय यह है कि तुम जो भी परमेश्वर के साथ करोगे उसका फल है। भले थोड़ा टाइम लगे, डाउट मत करना, परमेश्वर तुम्हारा सब चीजें सूद के साथ वापस करेगा, सूद के साथ। मैं जानता हूं परमेश्वर को, मैंने बड़ा अनुभव किया परमेश्वर के साथ, बड़ी चीजों का अनुभव किया है। अब 22 साल से अनुभव ही तो करता आ रहा हूं मैं, फिर ही तो अगुआ बना हूं मैं। अब मुझे 22 साल प्रभु में चलते हो गए हैं, तो मैंने कितना अनुभव किया है, कितना अनुभव किया है परमेश्वर का, समझते हो। तो इसलिए इस बाइबल में शैतान के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा है। फिर परमेश्वर ने बताया कि वो कैसे काम करेंगी, तुम्हें कैसे सतर्क रहना है, कैसे तुम्हें अलर्ट रहना है, और उनके साथ तुम्हारा युद्ध है, इंसान के साथ नहीं। हाँ, जैसे धर्म धर्म से लड़ रहा है, कौम कौम से लड़ रही है दुनिया में, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा किसी धर्म से या किसी भी इंसान से तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी लड़ाई इस समय शैतान से, उसकी सेना से। वो कहाँ लड़ाई है, कैसी लड़ाई है, क्या लड़ाई है, कुछ पता है आपको? हालेलुया। मैंने एक कल बहन को मिला, बहन तो सिख है लेकिन रहती यूपी में, ठीक है। जब मैं उससे मिला तो वो बड़ा अच्छा विश्वास करती है। उसे जब भी मैं मिलता था मैं बड़ा खुश होता था, क्योंकि वो ना ईमानदार बड़ी है, पवित्र बड़ी है। उसकी पति की डेथ होगी तो उसकी डेथ होने के बाद भी वो पवित्रता ही में रहती है। इतनी अच्छी सोच उसके पास ना, 5-6 हजार की नौकरी है स्कूल में पढ़ाने की, एक उसका बेटा है बस। मैंने देखा उससे अपना घर का गुजारा भी करती है और पूरा पूरा दसवंध भी निकाल दी, और कभी कभी उसी बीज में से एक्स्ट्रा कभी कभी टोकन, लव लव टोकन मनी मुझे देती है, आकर कपड़े ले लो। मैं बड़ा कहता हूँ रहने दो, मैं सोचता है इसके पास तो है नहीं, लेकिन जब मैं उसका दिल देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ। फिर उसको कैसे परमेश्वर रास्ते खोलता है, कहाँ से पैसे आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्या हो जाता है। एक बार तो क्या होता है, उसका बिजली का बिल आ जाता है पता नहीं 14 हजार, तो अनसेंसली आ जाता है, ठीक है, जबकि वो इतनी यूज नहीं करते थे बत्ती, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने घर का एक बेड बेच दिया, कितने का बेचा था, 9 का कि 14 का, 14 का ही बेचा था, ठीक है।
14,000 का बैंड बजा, 14,000 का बिल था, भरना था, पैसा आया नहीं, इनकम छोटी सी है, उसी से गुजारा कर रही, विश्वास बड़ा है। लेकिन होता क्या है, उसका अच्छा मन देखकर परमेश्वर उसका बिल नहीं खत्म कर देते हैं, मतलब ये देखकर मन माफ हो जाता है उसका, लेकिन उसके पास वो पैसे बच जाते हैं। फिर वो क्या करती, सारे डाल देती इधर, कहती अगर मेरा ना परमेश्वर माफ करता फिर भी तो मुझे देने थे, तो क्यों ना मैं ये परमेश्वर के का, मैं सोच में पड़ गया, यहां कहां ऐसे विश्वासी, इधर तो विश्वासियों के काम परमेश्वर कर देता बड़े बड़े, वो इतने खड़ा पापा नु की पता लगन दिया कि नेदा की होया, डर पा दे थोड़ा सा चल, मुझे पाना है, मुझे पता लगाना है, उसको पता लगाना है जो जिसके सामने हो तुम। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही, जिसके तुम सामने हो, बाइबल में लिखा क्या कोई चीज उससे छिप सकती है, क्या लोक में भी कोई छिप सकता है उससे। वचन में भी दाऊद कहता है, कहता है परमेश्वर अगर मैं बादलों पर चढ़कर आकाश में चल जाऊं, तुम तो वही भी हो, मैं समुन्द्र पार है ना चला जाऊं वही भी हो, पताल में चल जाऊं, तो कहता मैं तुमसे छिप नहीं सकता। लेकिन लोग जितने भी जुड़ते हैं उन्हें पता नहीं ना, अभी अभी मन खोला नहीं, या खुद प्रे नहीं की, या खुद उसके सामने अपने आप को रखा नहीं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है ना, जैसे हर इंसान को खुद को पता होता मैं क्या हूं, कहां मैं गलत हूं, जहां गलत हो परमेश्वर के सामने रखो, तुम्हें तुम परमेश्वर के सामने जब रखोगे ना फिर परमेश्वर वो ठीक कर देगा चीज को। ये बात याद रखो, यही उसका नियम है। जब मैं अंदर से बाहर आ रहा था, ये बच्चे जोर जोर से प्रेयर कर रहे थे, कन्फेस कर रहे थे बातों को, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये हम प्रार्थना में जो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं बार 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 बार, ये क्या है, ये कन्फेशन क्या है ना, ये प्रेयर के जो शब्द हैं हम बोलते हैं ऐसे, धन्यवाद प्रभु ये आप कर चुके, प्रभु ये कर चुके, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, ये कन्फेशन क्यों करते हम, ये बताता हूँ। लेकिन वापस आते हैं उस पर, उसी बहन पर। लेकिन इस बार में जब उससे मिला, उसको छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा विश्वास उसका आगे पीछे हो गया, फिर मैंने उससे राइट किया, फिर उसने पकड़ ली बात। इसीलिए एक अगुआ और संगति बड़ी जरूरी है, कब दुष्ट काम करेगा, कब आपको दाएं बाएं करेगा आपको पता नहीं चलेगा, यही परमेश्वर ने बताया है। उसके साथ युद्ध क्या चीज है, ये युद्ध होता कहाँ है, ये युद्ध क्या चीज है, परमेश्वर ने जो बताया शैतान के साथ है, ये डांगा तलवारें पकड़कर तो है नहीं बंदूकों वाला, ये युद्ध है। आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसके नियम में रहना है, ये युद्ध है। तुम उसके परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसके नियम में चल रहे हो, वो तुम्हें रोकेगा, वो उसके नियम से तुम्हें बस आगे पीछे करेगा, यही हमारा युद्ध है। कितनों को बात समझ आ रही है, हालेलुया। मैं संडे एक वचन दे रहा था, शायद पता नहीं क्यों संडे में मुझे जल्दी होती है, लोगों को शायद मेरे दिमाग में लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैं फटाफट बोल रहा था, तो अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो मैं आराम से बोल रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ सोचेंगे करेंगे, ताकि जो बात समझानी है अच्छे से समझाई जाए। हालेलुया, आज तो मैं तुम कलूंगा रात में 3 बजे घर, तैयार हो, हालेलुया। ऐसे ऐसे ना हो जाए कुछ, चलो अभी सीखो ध्यान से वापस, ठीक है, सुनो देखो। इस संडे में तुम्हें सिखा रहा था कि कैसे मूसा, महान मूसा, कैसे इसराइलियों को छुड़ाया ना परमेश्वर ने उसके द्वारा, वो बड़ी तकलीफ में थे,
जैसे हम भी कभी कभी बड़ी तकलीफ में होते हैं ना, इधर उधर दवाइयाँ, ये डॉक्टर बाबे, फिर तुम प्रभु के घर में आते छुड़ाए जाते हो, फिर वो तुम तकलीफ भूल जाते हो क्योंकि अब अच्छे दिन हैं, भूल जाते हो वो टाइम जो बुरा था। तो फिर अपना काम, बिजनेस, रिश्तेदार, आज शादी, परसों वो, ये वो, सब कामों में शुरू हो जाते हो, भूल जाते हो उसका नियम क्या है। इतनी जल्दी दुख हम भूल जाते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें निकाला होता है। इसीलिए बाइबल में एक जगह पर लिखा है, यीशु मसीह ने एक आदमी को बड़ी पूरी तरह से रोग से उसको ठीक किया। उसके बाद यीशु वो रोग था 38 साल। 38 साल एक ऐसे उस जमाने में एक तालाब था, वहाँ स्वर्गदूत उतरता था, वहाँ जितने बीमार थे उनको छोड़ देते थे, और जो स्वर्गदूत जब पानी हिलाता था तो जो पहले उतरता था वो हील हो जाता था। लेकिन वो 38 साल से पड़ा था क्योंकि उसको वहाँ तक कोई ले जाने वाला नहीं था, उससे पहले दूसरे उतर जाते थे। लेकिन जब यीशु से ठीक करता है तो यीशु से एक बात कहता है, मैं तुम्हें ये पढ़ाना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसे ना लगे ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, हालेलुया, क्योंकि वचन की महत्ता को हमने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब यीशु से हील करता है तो बस एक सेकंड, हाँ ये देखो, ये यूहन्ना की बुक है, सुसमाचार की बुक, और इसमें 5:14 है, ठीक है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वो आदमी मंदिर, बंदर समझते क्या होता है, एक्चुअली ये हिंदी है ना, हिंदी ट्रांसलेटर, तो उसने परमेश्वर के भवन को मंदिर करके लिखा है। उस जमाने में भी सुलेमान ने एक ऐसा भवन बनाया था, जैसे ये भवन और मंदिर में फर्क होता है, क्या होता है समझते हो, मंदिर में मूर्तियां होती हैं, भवन में परमेश्वर साक्षात आप ही होता है, हालेलुया। क्या होता है, उसकी मूर्ति नहीं होती पत्थर की, मिट्टी की, वो खुद प्रेजेंट होता है। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा समझाता हूँ मैं तुम्हें ये वचन। तो यहाँ पर ऐसे लिखा, इन बातों के बाद यीशु, कैसे लिखा, यीशु को वह इंसान भवन में मिला, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, हालेलुया। कितनों को ये वचन समझ आ रहा है। यहां पर यीशु मसीह जीवन देने के बाद, चंगाई देने के बाद उसे समझाते हैं, तुम पाप किसको समझते हो, बोलो, तुम जानते हो सबसे बड़ा पाप क्या है, बाइबल के अंदर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी लिखी हुई है, कोई बता सकता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था आज मैं आऊंगा तो ज्यादा लोग तो आए नहीं, तो जितने हैं इनमें से कोई बता सकता है सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल के अंदर कौन सी है, हाँ बोलो, सबसे बड़ी आज्ञा, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी, हाँ बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू परमेश्वर को सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से क्या कर, प्रेम कर, ठीक है, सबसे बड़ी आज्ञा यही है, और सबसे बड़ा पाप भी यही। अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर के साथ सारा मन, सारी बुद्धि, सारी जान से उससे प्यार नहीं करते तो हम तो बहुत बार ये पाप करते हैं ना, उसकी इच्छा नहीं पूरी करते, कुछ भी करते हैं आगे पीछे, तो पाप तो हम करते रहते हैं इस हिसाब से। कितनों को बात समझ आ रही है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में फिर क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा था कि जा अब तुम क्या मत करना, मतलब अपनी जिंदगी ना जीना, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसको पहला दर्जा देना।
लेकिन मनुष्य क्या करता है, भूल जाता है ना। तो यही युद्ध है। शैतान चाहता तुम परमेश्वर की इच्छा छोड़कर उसकी इच्छा में चलो। वो प्लान करता, तुम्हें फंसाता, आगे पीछे करता है, तुम उसे मौका देते हो, वो तुम्हें डाइवर्ट कर देता है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में तुम्हें मैं एक और वचन पढ़ाता हूं। जब मूसा ने उन्हें छुड़ाया तो वो मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया, 40 दिन 40 रातें वो ऊपर रहा। उन्होंने सोचा मर गया, ऊपर तो पानी नहीं है, रोटी नहीं है, कहाँ गया मूसा, क्या हुआ उसके साथ। तो वो उन्होंने उसके भाई हारून को दबाया अपनी बातों से कि तू हमारे लिए एक देवता बना। उसने बालियां कानों से उतारियां, सोने की चीज़ें से ढालकर एक बछड़ा बनाया और वो कहने लगे ये हमारा देवता है जो मैं मिश्र से वो जो बनाया वो निकाल कर लाया था। कितनी बुद्धि शैतान बंद कर देता है इंसानों की। उसके बाद वो 10 वचन लेकर आता है पट्टियों पर। जब वो नीचे उसकी पूजा करते आराधना करते उन्हें देखता है, दूर से फेंकता उस पर गिरती आग लगती, सामर्थ काम करती, कुछ लोग मर जाते हैं, वो जल जाता है बछड़ा सा। फिर परमेश्वर उन्हें नाश करने वाला था। फिर मूसा के बारे में मैंने पढ़ाया कि वो फिर 40 दिन 40 रातें ऐसे मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरा कि इन लोगों का नाश ना हुआ हो। कितना महान मूसा, आमेन नहीं बोलोगे? बरकत आ रही थोड़े उत्ते बहुत सारी, हूँ तो इन्हें बोलना, इतने तो इन्हों का दिमाग लग गया है, इधर ध्यान दो। तो अभी जब उन्हें बचा लेता है, फिर उन्हें वो परमेश्वर का वचन देता है। मूसा आत्मा के द्वारा उन लोगों को क्या देता है? वचन। ये वचन थोड़ा सा पढ़ते हैं आपके लिए। जब वो बच जाते हैं लोग, फिर से ये शिक्षा हमारे लिए, ये व्यवस्था विवरण हिंदी की बुक, व्यवस्था विवरण पंजाबी में इसको बोलते हैं, व्यवस्था सार बुक, इसका 11 का 18 से पढ़ते क्या लिखा। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और वह तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम करे। टीके का समझते हो? टीके, टीका जो ऐसे लटकाती हैं, समझते हो? बहने मसीह में तो करते नहीं है, संसार में इधर टीका नहीं लमकाते, यहाँ एक सोने का, उसको परमेश्वर कह रहा है ऐसे चिन्ह के रूप में तुम्हारी दो आंखों के बीच टीके की तरह बांधा रहना चाहिए। इतना फोकस किसके वचन पर? परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग तो हाँ जी कि अच्छा चलो चलिए, ऐसे भी होते बेचारे, ऐसे बैठे रहते जिम करके, ऐसे बैठे रहते हाँ ठीक क्या ठीक क्या, प्रभु करो कृपा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अपना मन ने ध्यान देना या ना देना, बोलो क्या होता है? अपना मन है ना, ध्यान देना या नहीं देना। जो लोग ऐसे अजीब से करके, जैसे आप बुद्धिमान लोग होते ऐसे करके जो रहते हैं, उन्हीं को संसार के कार व्यारों में देखना, कहीं पैसे पूछ सको कितना देखना, तेज बातें करते हैं, पैसे पूछे लेन देन, कोई बात करेगा बात की कैसे तूने, वहां बड़ी बुद्धि काम करती है एकदम से। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की, महान जीवन के बातों की बारी आती, तब मैंने भूल जाता, मैंने वचन याद नहीं रहता, बनने बड़े ऐसी चीजें। अरे तरीका है, परमेश्वर के सामने रखो बात, परमेश्वर के सामने जाओ, ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात श्वास से रख कर देखो, वो तो तुम्हें स्वर्गीय बना देगा, जबरदस्त स्पिरिचुअल बना देगा, जबरदस्त ताकतवर बना देगा परमेश्वर, इतना सामर्थ्य है वो।
लेकिन यहां पर पढ़ते हैं हम, परमेश्वर ने कहा चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना और तुम्हारी आंखों के बीच में, दो आंखों के सेंटर में टिक्का, टिक्के की तरह से लेना, ऐसे फोकस बनाना मेरे वचन के ऊपर। 19 में लिखा, और तुम घर में बैठे मार्ग पर, घर में बैठे मार्ग पर चलते फिरते और लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना मेरा वचन। चलते फिरते उठते लेटते, मैं लेटता भी हूँ, परमेश्वर से बातें करता हूँ। जब रात को मैं सोता हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आती ना, धन्यवाद धन्यवाद ये बात परमेश्वर, ये बात बातें करते करते चलो सो गई। अब सुबह पता लगता है उठ गए, अब बीच में जो टाइम है पता नहीं कहाँ है। ओ मजा, ऐसा नहीं कभी ऐनु कभी ऐनु, कभी रात जाग आ गई, अच्छा फैक्ट्री से पुजिया कि अच्छा उतरे कुरकरे ये फलाना कि ऐसे नहीं है, ऐसे इनसे नहीं है। जब तुम सो मीठी नींद वो तुम्हें देगा परमेश्वर, क्या करेगा, मीठी नींद देगा। हालेलुया। इधर देखो ध्यान से और पढ़ते हैं क्या लिखा, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, अच्छी उम्र लंबी उम्र तुम जियो, तुम और तुम्हारे बच्चे। कब होगा, ऐसे ऐसे जैसे परमेश्वर बात कर रहे तब होगा। अब परमेश्वर अपना वचन देने के बाद कौन कहता है कि उसने वचन पूरा किया तो मेरा भला नहीं हुआ। कोई कोई लाओ बंदा दुनिया में जो ये कहे कि मैंने वचन पूरा किया और मेरा भला नहीं हुआ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। होना ही होना है। कुछ टाइम दुष्ट अपना जोर दिखा सकता है, कुछ चीजों को आगे पीछे कर सकता है, अपनी ताकत से रोक सकता है, अगले समय परमेश्वर की मार पड़ेगी उसको और फर रह जाएगा और तुम ऊंचे किए जाओगे। ये बात याद रखो। तो यहां पर लिखा तुम और तुम्हारी बच्चों की दीर्घायु, अच्छी लंबी उम्र, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वह भी बनी रहे। इसलिए कि जब भी तुम इन आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। हालेलुया। तुम अगर लिपटे रहोगे ऐसा तो वो तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे, दुष्ट की जुक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये वचन है, पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये नियम है, जैसे खुदा कहता है सब कुछ नियम है परमेश्वर का। परमेश्वर का कोई भी काम बिना नियम से नहीं है, ठीक है। अब ये प्रेयर पिलर बहुत बढ़ रही है, बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है, हालेलुया। लेकिन जितने भी लोग प्रेयर पिलर में जुड़ रहे हैं उनको सब बातों को मानना जो हम आत्मा के द्वारा करते हैं। सबसे पहले तो हमारा मेन यूट्यूब चैनल, फेसबुक नहीं सॉरी यूट्यूब चैनल जो मेन है, ऑफिशियल चैनल सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, उसका जो संडे थर्सडे सत्संग आता है मीटिंग, चाहे तुम उसका थोड़ा पार्ट सुनो लेकिन जरूर सुनो। हर बार वीरवार संडे हर रोज सुबह जो हम वीडियो डालते हैं, अगर हमारे साथ 20-25,000-30,000 लोग जुड़े हैं जो रेगुलर हैं, सब्सक्राइब तो हमारे 3 लाख से भी ज़्यादा है, 3.5 लाख होने वाले हैं, इतने लोगों को लोगों ने सब्सक्राइब किया है। लेकिन कोई ये मीटिंग देखता, कोई वो देखता, कोई वीडियो देखता, ऐसा करके सब चीज़ें बराबर नहीं देखती और तुमने देखना है। लेकिन अभी आप लोग क्यों हम कन्फेशन करते हैं, क्योंकि ये खुदा ने भी कहा ना, क्योंकि जैसे हम अंगीकार करते हैं अपने मुंह से कि वो परमेश्वर है, वो महान है, वो कर चुका है, उसने ऐसा कहा है,
हम उसके वचनों को कन्फेशन करते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, इसी को कहते हैं हम प्रेयर में जाते हैं। प्रेयर में जो हम कन्फेशन करते हैं ना, उसमें हम विश्वास करना, हमने विश्वास क्या करना है, खाली ऐसे नहीं धन्यवाद प्रभु ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी, ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी प्रभु ए बरकत, सिंपल नहीं बोलना, विश्वास करना, सोच में रखना कि वो सर्वशक्तिमान है जिसके सामने मैं बोल रहा हूँ, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान खुदा, ऐसे विश्वास करके उसे याद करके अंदर से, फिर उसके सामने उसको वचनों को बोलते हैं, बोलना है, इसी को बोलते हैं प्रे। हालेलुया, करें फिर प्रे। आज कई चीज़ों पर मैं आपको प्रेयर सिखाता हूँ, आंखें बंद करो, हाथों को हिलाओ, थोड़ा थोड़ा गिटार छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत तेज़ नहीं करने वाला, ताकि इन्हें सीखने को मिल जाए प्रेयर क्या होती है, ताकि और अच्छे से स्ट्रांग ये प्रेयर करें, थोड़ा सा और ऊपर। चलो बच्चों, सब लोग अपने मुंह से धन्यवाद करो, आंखें बंद करके उसे याद करके अपनी सोच में ले लो परमेश्वर को, कि वह सर्वशक्तिमान है, वो इस समय मौजूद है, चाहे तुम घर में सो तब भी मौजूद है, तुम बाजार में जाओ तब भी मौजूद है, तुम रोड पर जाओ वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। अगर कोई भी सिचुएशन होती है उसमें आपने ये विश्वास करना है कि वो मेरे साथ है, इसलिए धन्यवाद करो, कन्फेस करो अपने मुंह से उसके वचनों को, धन्यवाद परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा आप मेरे साथ हो। बोलो बोलो मुंह से, थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग बोलो, वो मेरे साथ है खुदा, उसने मुझे चुना है, अब मैं अंधकार में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, अब मैं अंधकार में नहीं हूँ, उसने मुझे बुला लिया अपनी अद्भुत ज्योति में, अब मैं उसकी संतान हूँ, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इसलिए मैं अब परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मेरे वचन, मेरी बातें, मेरा विश्वास काम करता है खुदावंद के साथ, उसने मुझे चुना है, धन्यवाद। जो सबसे पहले अपने लिए प्रेयर करो, अपने आप को परमेश्वर के साथ राइट करने के लिए लगातार बोलो, परमेश्वर तूने चुना है, तूने मुझे अपना आत्मा दिया है, क्योंकि मैंने यीशु को ग्रहण किया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मैंने तुम्हें ग्रहण किया है मुक्ति दाता करके, अपने मुंह से अंगीकार किया है, इसलिए हे प्रभु यीशु तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तेरा आत्मा मुझे चला रहा है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि पवित्र आत्मा का काम है आपके मन में काम करना, आपकी सोचों में काम करना, आपकी सोचों को राइट करना, आपको याद दिलाना परमेश्वर के वचन, आपको सही आत्मिक चीजें करने में हेल्प करना, इसीलिए विश्वास करो वो आत्मा मेरे अंदर है, वो आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे मन में काम कर रहा है, मेरी सोचों में काम कर रहा है, वो मेरी सोचों में काम कर रहा है, वो मेरी सोचों में काम कर रहा है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान पिता का, पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो, वो तुम्हारी जिंदगी में है, उसने तुम्हें अंधकार से चुना है, सबसे पहले जब तुम्हारी जिंदगी में जो भी गलत चीजें, उसे बोलो ये जा चुकी है, नशा कहो जा चुका है, आपके अंदर आलस है बोलो जा चुका है, अगर आपके अंदर गुस्सा बढ़ाता बोलो जा चुका है, तुम्हारा बड़ी जल्दी मन खराब हो जाता है, तुम्हारे अंदर जल्दी गुस्सा क्रोध आ जाता है, तुम बात नहीं मानते तो परमेश्वर के सामने रखो, घर में क्लेश करते हो तो परमेश्वर के सामने रखो कि ये क्लेश, क्योंकि ये देखो इधर देखो मेरी तरफ, क्योंकि जब तक जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसका जाना प्रॉब्लम का हमारी जिंदगी से जरूरी है, और हमें एकदम से सही बनना, आत्मिक बनना क्या जरूरी है, क्योंकि आत्मिक जिंदगी एक जीवन है असल में, शारीरिक जीवन कोई जीवन नहीं है, वो ठोकरे हैं, नुकसान है, बेचैनी है, अशांति है, बखेड़े हैं, सब कुछ बुरा है शारीरिक जिंदगी में, तो इस दुनिया में सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही आत्मिक बना जाता है, तो दुनिया के पास तो आत्मिक पवित्र आत्मा का तो ज्ञान भी नहीं है लोगों के पास। हालेलुया, ये तो तुम सुन रहे हो कि परमेश्वर एक आत्मा है, वो अपना आत्मा देता है, पवित्र आत्मा हमें दान देता है, ताकि हम शरीर से जो श्रापित हो गए थे, जो हम श्राप से पैदा हुए थे, आदम उसकी पत्नी की गुनाह करने से, पाप करने से, हमारे ब्लड में जो पाप था, इसीलिए हमारे अंदर पाप का मतलब शैतान के सारे गुण
व्यभिचार, गंदियां सोचें, झूठ, चोरी, नशे, बदमस्तियां, क्लेश, झगड़े, ये सब उससे था। किससे था? ये पाप से, शतानी गुण। ये गुण खत्म होते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने से, संसार में नहीं होते, हालेलुया, पवित्र आत्मा से होते हैं। तो इसलिए ये सीखो कि आत्मा का हमारी जिंदगी में काम करना कितना जरूरी है। चलो फिर से करो, फिर से परमेश्वर के सामने जाओ। जितने इस समय अपने घरों में हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब लोग अपने घरों में घुटने टेको, जहां आप कंफर्ट हो, चेयर पर, बेड पर, यहां भी बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और परमेश्वर के सामने जाओ। और सबसे पहले अपने लिए प्रेयर करो। तुम एक कुंवारी लड़की हो सकते हो, तुम एक कुंवारे लड़के हो सकते हो, तुम एक बच्चों के बाप हो सकते हो, एक पत्नी हो सकते हैं या बच्चे हो सकते हैं, आप जो भी हो, सबसे पहले खुद परमेश्वर के सामने जाओ और जो तुम चाहते हो बोलो, 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 ऊंचा ऊंचा बोलो, बोलो, शाबाश बोलो, मुंह खोल के जो तुम चाहते हो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में हर वो बुरी चीज दूर होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को बोलो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा मेरे मन के अंदर काम कर रहे हो, ताकि मैं बढ़ूं, ताकि मैं आपकी इच्छा में चलूं, मैं बदल जाऊं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्रोध, गुस्सा, नशा, बुरी बातें, आलस, बार बार फोन देखना, फोन की गंदी आदत मेरी जिंदगी से जा चुकी है, मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं। अब उसके बाद जो भी हो, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, बोलो मेरे घर वाले, मेरी फैमिली भी ब्लेस हो चुकी है, उनके अंदर भी सारे आत्मा के द्वारा गुण आ चुके हैं, हम एक मन हो चुके हैं, हम सब परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, हमारा घर स्वर्ग बन चुका है, हम अच्छे से चल रहे हैं। हमारी फैमिली में, आपके घर में कोई हालात है, कोई रोगी है, या तुम खुद हो, या तुम्हारा कोई घर में रोगी है, तो याद रखो हम क्यों कन्फेशन करते हैं, क्योंकि वचन कहता है यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर हमें चंगाई दी है, वो चंगाई 100% है। श्वास करो, बोलो है, यीशु के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से ये चंगाई है। किसी भी प्रकार का रोग बोलो जा चुका है, किडनी खराब है, कैंसर का रोग है, आपका कोई अंग डेड है, किडनियां डेड है, लीवर डेड है, हार्ट डेड है, आंखें में धुंधला हो गई है, आंखों में मोतिया आ गया है, ब्रेन ट्यूमर आ गया है, कोई नाड़े ब्लॉक है, आपकी रीढ़ की हड्डी का कोई रोग है, सर्वाइकल है, किसी भी प्रकार का रोग है, तो याद रखो यीशु ने कोड़े खाए तुम्हारे लिए, यीशु ने कोड़े खाए तुम्हारे लिए। वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए। कन्फेस करो, इसको कन्फेस करो, अपने मुंह से बोलो, अंगीकार करो इस वचन को, परमेश्वर के सामने क्लेम करो, ये तेरा सच्चा वचन है, ये पूरा हो चुका है, ये तेरा सच्चा वचन है, ये मेरे घर में, ये मेरे परिवार में, ये मेरे बच्चों में, मेरे पति में, मेरे पत्नी में, मेरे बाप में, मेरी मम्मी में, आप जो भी हो वो प्रेयर करो, उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। जब हम विश्वास करते हैं, डाउट नहीं करना, शक नहीं करना, जो तुमने विश्वास किया बोलो हो चुका है, फाइनल, उस बात में बने रहो, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, डरना नहीं, बने रहो, फाइनल वो हो चुका है, वो कर चुका है खुदा, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। ये अन्य भाषा कर रहा था, मुझे होली स्पिरिट अचानक अन्य भाषा दे रहा था। आप लोग ये अन्य भाषा लो, परमेश्वर से बोलो कि मैं अन्य भाषा में बढ़ रहा हूँ, अन्य भाषा मेरे मुंह से आ रही है, अन्य भाषा में से मैं भर रहा हूँ। तुम्हें जब अन्य भाषा से भरोगे, इसकी ताकत कितनी होती है तुम्हें पता नहीं। जब तुम अन्य भाषा में भर कर बातें करोगे, अन्य भाषा में भर कर प्रार्थना करोगे, ये एक बड़ा ताकतवर विषय है। लब्रोन हरिया नमर के लिए इतना ना या नमन मोर जुकर नी ले के लिए बने नंबर संद्रे आमनु सायन ना निंद्रा ना उब्रा ना ही आमला दुर्यंद्रे लब्रो सखना में बाबा उसकी सामर 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 काम करिए। जो तुम बोल रहे वो हो चुका है, जो तुम बोल रहे वो हो चुका है, जो तुम बोलोगे वो होना है।
तुम बढ़ रहे हो, बोलो मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मिक जिंदगी में बढ़ रहा हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन रहा हूँ, मैं परमेश्वर के वचनों को पूरा करने वाला बन रहा हूँ, मैं आत्मिक उसकी इच्छा में चलने वाला उसका खास बच्चा हूँ, उसकी इच्छा में चलने वाला हूँ, उस वचन से उसकी इच्छा से ना राइट ना लेफ्ट सीधा उसके मार्ग पर चलूंगा। ऐसा खुदा की आशीष मेरे ऊपर ठहर चुकी है, ऐसी बरकत मेरे ऊपर ठहर चुकी है। बोलो 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 बोलो, जो तुम चाहते हो, चाहे तुम्हारे घर में कर्जा है, तुम्हारे ऊपर बोलो खत्म है, तोड़ चुका है यीशु कर्जों को। कर्जा कुछ नहीं है, वो सामर्थ्य है। इस सृष्टि को उसने बनाया, हीरे उसने बनाया, पेट्रोल डीजल उसने बनाया, सब संसार कीमती उसने बनाया। मेरा विश्वास उस पर है, मेरी आशा उस पर है। जैसे अब्राहम को उसने बुलाया, उसको दूसरे देश में जाने के लिए कहा, जब वो आज्ञाकारी बना, उसके वचनों पर रहा, तो वचन कहता है वो बड़ा अमीर और धनी किया गया। हालेलुया। ये तुम कर्जों में नहीं रह सकते, तुम गरीबी में नहीं रह सकते। वो तुम्हें प्रॉस्पेरिटी देगा, वो तुम्हें ऊंचा करेगा, तुम्हारे बंद मार्गों को खोलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद करो उसका। बोलो बोलो अपने मुंह से, तो जो तुम्हें चाहिए, किसी की कुख बंद है 20 साल से 30 साल से, बोलो यीशु नाम खुल चुकी है, खुल चुकी है। वो बहने जिन्हें चाहिए बेबी, चाहे 20 साल से 30 साल से 40 साल से बेबी नहीं है, उसकी सामर्थ बड़ी है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारा विश्वास, हमारा फोकस, हमारा ध्यान चाहिए। इसलिए विश्वास से बोलो धन्यवाद करो कि ये टाइम है तुम्हारे पास के उसके सामने जाओ, बोलो कि मैं आज्ञाकारी बन चुका, तेरे वचनों को, तेरी हर छोटी से छोटी आज्ञा को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूँ, तेरी सामर्थ में परमेश्वर भर चुका हूँ। खुदाबंद तेरा सुसमाचार देने वाला, तेरा भक्ति करने वाला। वचन कहता है उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, मैं वो बन चुका हूँ, उसकी धार्मिकता में बढ़ चुका हूँ। परमेश्वर तुझे पाने में, तेरी इच्छा में बढ़ने में, तेरी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई कितनी है, इसको समझने में आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मैं ऐसा बन चुका हूँ, मैं ऐसा बढ़ चुका हूँ, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूँ। यस यस, तेरी लंबाई ऊंचाई गहराई चौड़ाई खुदा कितनी है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, मुझे आप इसमें बढ़ा चुके हो, इस समझ में डाल चुके हो, मैं उसकी इच्छा में बढ़ रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर के बिना इस दुनिया में कोई जीवन नहीं है, संसार में संसार का कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर आप मुझे छू रहे हो, मुझे बदल रहे हो, मुझे भर रहे हो अपनी सामर्थ से, आत्मा से, मैं बढ़ रहा हूँ। तेरे साथ जीने वाला मेरा मन बन चुका है। बोलो बोलो, जो तुम बोल रहे हो वो खुदा आपके साथ कर रहा है, उसकी सामर्थ वैसा आपको रिलीज कर रही है। तुम्हारे हालात कैसे क्यों नहीं है? अगर 138 साल का रोगी बीमार पड़ा है, परमेश्वर से हील करने के लिए दृष्टि करता है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम जितने मर्जी बीमार क्यों नहीं, तुम जितने मर्जी हालातों में क्यों नहीं, उसकी सामर्थ बड़ी है। विश्वास करो, बोलो हाँ बड़ी है। उसकी सामर्थ को बोलो यस। वो सामर्थ जो मरे हुए लाजर को 4 दिन मुर्दे को जिंदा कर देती है। एक मरा हुआ इंसान जब जिंदा हो सकता है, तो मेरी ये जो प्रॉब्लम जिन्ने जी मेरे जीवन में, ये क्या है जब मुर्दा जिंदा हो सकता है? तो बोलो अंगीकार करो, कन्फेशन करो, जो तुम चाहते हो अगले 2 मिनट में तेज 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 उसके सामने बोलते जाओ, जो तुम चाहते हो ऑनलाइन यहाँ पर अपने घरों में, अपनी प्रॉब्लम को लेकर, हालात को लेकर, किसी भी विषय को लेकर उसके सामने जाओ। जाओ, वो खुदा काम कर रहा है, जाओ, वो सामर्थ्य खुदा काम कर रहा है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है, तुम्हारे परिवारों में काम कर रहा है, तुम्हारे बिजनेस में काम कर रहा है, तुम्हारे घरों में काम कर रहा है। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। वो सर्वशक्तिमान खुदा हमारे बीच है, उसी ने हमें चुना है, उसने हमें अपनी संतान बनाया है। ये प्राउड करो, ये मान करो कि मैं अब परमेश्वर की संतान हूँ, अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं सृष्टिकर्ता का बच्चा हूँ, उसने मुझे अपनी संतान बनाया यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। मैं हील हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं आत्मा में ब्लेस हूँ, मैं आत्मिक जीवन में ब्लेस हूँ, मैं वचनों को पूरा करने वाला, उसकी मर्जी पर चलने वाला, संगति में उसके नियम में खराई से चलने वाला, हर वचन हर आज्ञा को सच्चाई से पूरा करने वाला बन चुका हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ इसी में मेरे लिए बरकत है,
मैं जानता हूं इसी में मेरे लिए आशीष है, मैं जानता हूं इसी में मेरे लिए सब कुछ है। बोलो बोलो बोलो, अंगीकार करो, करो 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 अंगीकार। वो खुदा तुम्हारे जीवनों में काम कर रहा है, खुदा तुम्हारे घरों में काम कर रहा है, उसकी सामर्थ। जितने लोग आज अपने घरों में, जितने लोग प्रेयर की रुकावटों में, मैं खुदा के दास होने के नाते वो रुकावटें शैतानी आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं की रुकावटों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम। मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगी में हालात, प्रार्थना की रुकावटें, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा रोग जो बार बार तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारे मन को आगे पीछे कर देता है, या शैतान का वो गंदा प्रभाव है, तो मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगी से वह शैतान की रुकावट, शैतान का हालात को रोग जो तुम्हारी जिंदगी में बना, टूट जाए यीशु मसीह के नाम, टूट जाए यीशु मसीह के नाम, टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, खत्म हो 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 जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तुम्हारे घरों में उसकी सामर्थ काम कर रही है, तुम प्रार्थना करने वाले प्रेयर वॉरियर बन रहे हो, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी हो रही है, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी में आज से खुदा की ग्रेस काम कर रही है, आज से तुम्हारा मन खुल रहा है, आज से मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे जीवनों के ऊपर कर्जा है, कारोबार में रुकावट है, पैसों में रुकावट है, वो जा चुकी यीशु मसीह के नाम। तुम ब्लेस हो, तुम बेड पर हो, तुम व्हील चेयर पर हो, तुम्हारी लाइलाज बीमारी है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तुम्हारे कैंसर है, बड़े रोग है, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है, मैं तुम्हारे शरीर में रिलीज करता हूं इस वचन को, चंगे हो जाओ, तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे मरे हुए अंग, तुम्हारे टूटे हुए अंग, टेढ़े चकड़े टेढ़े मड़े अंग, वो डैमेज अंग यीशु के सामर्थ्य नाम से जिंदा हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से काम करने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से काम करने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से काम करने लगे। तुम्हारा कोई ऐसा हालात जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे परिवार में किसी मेंबर में जिसे तुम परेशान हो सकते हो, सोच में हो कि कब जाएगा, वो खुदा की सामर्थ्य से टूट रहा है, वो टूट रहा है, 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 बी हील्ड, चंगे हो जाओ, उस हालात से छूट जाओ, हर रुकावट से आजाद हो जाओ, हर गंदे शैतानी हालात से आजाद हो जाओ, हर रुकावट से, हर बीमारी से, हर परेशानी से मैं तुझे आजाद करता हूँ, हर वो बीमारी जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मेंबर में, किसी के भी अंदर जो वो बड़े से बड़ा कोई भी रोग, उसकी ऐसी की तैसी यीशु के सामर्थी नाम से वो खत्म हो जाए, आपके शरीर से हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, गंदी से गंदी बुरी आत्मा से हील हो जाओ, छोड़कर तुम्हारे घर को, परिवार को छूट जाए और दफा हो जाए वो गंदी आत्माएं, ऐसी सामर्थ जो आग लगा देती है शैतान को, वो काम कर रही है और खत्म हो रहा है वो, तुम हील हो रहे हो और तुम ब्लेस हो रहे हो, तुम्हारा परिवार, तुम गवाहियों से आओगे, तुम रिपोर्ट्स के साथ आओगे, तुम बड़ी गवाहियों के साथ आओगे, तुम प्रेयर वॉरियर बनोगे, प्रार्थना करने वाले बनोगे, वचनों को पूरा करने वाला बनोगे। अगले दो मिनट बोलो, मैं बाइबल को अच्छे से पढ़ने वाला बन चुका हूँ, मैं बाइबल को रीड करने वाला बन चुका हूँ, मैं वचनों को कंटिन्यू रोज सुबह शाम पढ़ने वाला बन चुका हूँ, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, खुदा मेरे लिए कर चुका है, खुदा मेरे लिए कर चुका है, खुदा मेरे लिए कर चुका है, वो महान है, वो महान है, वो सामर्थी है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो समुद्र को दो भाग करने वाला है, वो आसमान से खाना देता था, मन्ना देता था, समुद्र की चट्टानों से वो पानी बहा कर देता था, वो अकाल में अपने लोगों को सुकाल दे देता है, अकाल में अपने लोगों के लिए फसलें देता है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। ऐसा सामर्थ्य खुदा तुम्हें टच कर रहा है, तुम्हें हील कर रहा है, तुम्हें चंगा कर रहा है, तुम्हें आजाद कर रहा है, तुम्हें छू रहा है, तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है, तुम्हारे परिवार में काम कर रहा है, ऐसे हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तुम ब्लेस हो 100%, तुम भरे हुए जाओगे, सेम नहीं रहोगे, तुम्हारे बड़े रिजल्ट आएंगे। और हम इस मंडे को एक बड़ी गवाही रिकॉर्ड करके डालने वाले हैं,
इस सोमवार को और शुक्रवार को सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल सुखपारणा मिनिस्ट्री, जो हम मीटिंग में गवाही नहीं दी होगी, अलग से हम रिकॉर्ड करूंगा, मैं खुद बैठकर एक जबरदस्त बड़ी गवाहियां दो इस शुक्रवार और आने वाले सोमवार। तुमने सबसे पहले उस गवाही को देखना है, अपना विश्वास बढ़ाना है, फिर उस गवाही को रिसीव करना है, फिर कम से कम 20-30 लोगों को शेयर करना है, और ये रेगुलर तुमने करते रहना है। ठीक है, परमेश्वर का काम करना, हमने परमेश्वर के लिए जीना है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है इस बड़ी ग्रेसफुल मीटिंग के द्वारा, एक ताकतवर मीटिंग के द्वारा। कितने लोग ताकत से भर चुके हैं, कितने लोगों को लग रहा हाँ मेरे अंदर पावर आ गई है, सामर्थ आ गई है। तो बस जो सीखा है ना इस मीटिंग का, जो वचन है उसे फिर से सुनना, दोबारा सुनना, जब सुनना फिर से याद करना क्या क्या करना है, मुझे कैसे चलना है। ठीक है, ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। ओके, हालेलुया।